वेलकम बैक टू माय प्रजापति फैमिली। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको शादी का कुछ मूवमेंट एंड और शादी का कुछ कंटिन्यू वीडियोस है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली गाइस, उस टाइम पे मैंने वीडियोस नहीं बनाया था और मैं बहुत सोची थी कि ब्लॉगिंग करूंगी, बट कुछ सीन हो गया था जिससे मैंने नहीं कर पाई थी। तो क्या सीन हो गया था एंड क्यों नहीं की थी, और मतलब मैं वैसे तो बहुत मजा आया था, सो वो सब मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ। सो आपको आई होप वीडियोस अच्छी लगेगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब एंड लाइक। चलो आगे मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सो गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था वेडिंग में। मतलब आपको पता है कि शाह हम लोगों ने हल्दी का आपको वीडियोस मिल गया होगा, सो आपको बताना कि आपको कैसा लगा। मतलब हम लोग इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और इतना ज्यादा खुश थे, इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि बता नहीं सकते। और मतलब हम लोग का बिल्कुल नॉर्मली जैसा सबका वेडिंग चलता है वैसे ही चल रहा था। फर्स्ट हम लोग, एक्चुअली मैं तो उतना ज्यादा हर टाइम मतलब दी के साथ ही थी, तो उतना मुझको कोई आइडिया नहीं है, बट बहुत अच्छा था, बहुत कुछ हो रहा था। मैं आपको उसी टाइम पे मतलब मैं पूरा ब्लॉग करने वाली थी, बट एक्चुअली मैं भी कुछ इतनी एक्साइटेड कि भूल गई थी, और भूल गई थी ना तो उसके साथ ही मैं आपको अगर उस टाइम पे करती तो मैं बहुत कुछ दिखा पाती और नहीं भी दिखा सकती थी, क्योंकि कुछ ऐसा सीन हो गया था कि मैं उस टाइम पे अगर ऐसा वीडियोस क्रिएट करती तो बहुत मतलब अजीब था। मतलब इतनी खुशी में कुछ ऐसा हो गया था कि जो पूरा खुशी सब चला गया था। तो बहुत, मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब हम लोग आपको कुछ, मतलब मैंने उस टाइम पे तो कुछ ज्यादा वीडियोस वगैरह क्रिएट नहीं की थी, और मैंने मतलब पिक्चर वगैरह भी मेरा मतलब बहुत कम है जिससे मैंने अभी तक इंस्टा पे एक भी उस टाइम की पिक्चर अपलोड नहीं किया है। मैं एक्चुअली जो सैलून में जितना भी मैंने वीडियोस क्रिएट कर पाई थी तो वो मैंने डाला, बस उसके बाद मुझे कुछ आइडिया नहीं है मेरे कितनी पिक्चर्स तो मैंने ली ही नहीं है। तो उस टाइम पर मेरा मेकअप ना वैसे ही चला गया, और मेरा तो छोड़ो, मेरी दी का वो तो इतनी ज्यादा खुश थी, और मतलब हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। आपको वैसे मैंने स्टोरी वगैरह भी इंस्टा पे तो लगाया था उस टाइम पे जब हम लोग पार्लर में थे, सो उस टाइम का बहुत खुशी था। तो उसका कुछ कुछ बस ऐसा वो आप देख सकते हो। तो जैसे हम लोग सैलून से लॉर्ड्स में पहुंचते हैं जहाँ पे वेडिंग का पूरा प्रिपरेशन था, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब हम लोग एक रूम में चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, और मतलब दी को तो बिल्कुल वहाँ पे बिठा देते हैं, ऐसा ही होता है, एक कमरे में सबको बिठा देते हैं। तो वहाँ पे बैठी हुई थी और मैं तो फिर भी पूरे में घूम रही थी सब लोग को, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि खुद के घर की शादी है और सब लोग के साथ घूमो। उतना टाइम तो नहीं मिला है क्योंकि हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था, पर फिर भी थोड़ा टाइम मिला था, तो मैं सबके पास घूम रही थी। और मैंने खाना भी नहीं खाया था, मतलब किसी ने भी नहीं खाया था उस टाइम पे, क्योंकि सबको ये रहता है ना कि जीजू एंड पूरा बारात आ जाएगी तो उनके साथ में बैठ के खाएंगे खाना, तो सब लोग ऐसे ही वेट कर रहे थे उनका, और मतलब बहुत खुश थे, सब कुछ इतना शांति से और इतना अच्छा हो रहा था कि क्या बताऊं। तो बहुत अच्छा था, आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा, बट ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो बात में हुआ ना तो वो मतलब इतना ज्यादा खुशी सबको वेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मतलब ये सब होने के बाद बारात आती है, तो बारात बहुत मस्ती में मतलब इतना डांस रहा था, मेरा तो मन हो रहा था कि बारात में जाके बीच में डांस करने लगो। तो मतलब हम लोग इतना खुश थे, और बाहर से मतलब बाहर भी बहुत अच्छे से बारात आती है, डांस होता है और सब कुछ होता है बहुत अच्छे से, और फिर हम लोग के मतलब बाहर टीका होता है ना जो आगे का, तो वो टीका तिलक वगैरह होता है, और उसके बाद अंदर आते हैं सब लोग। अंदर आने के बाद गाइस बहुत बड़ा वाला सीन हो जाता है, और जो मेरी दी के फादर इन लॉ है तो उनके हाथ से कोई मतलब जितना भी ज्वेलरी वगैरह वो सोने का लाए थे, तो पूरा बैग कोई एक ही बैग लेके रखा था उन्होंने, तो वो लेके कोई भाग जाता है। आई डोंट नो कौन ले गया, कोई पता नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा है। एक्चुअली वो उनको वो रूम में जाते हैं ना, तो रूम में वो बात करने लगते हैं, किसी का कॉल आता है तो वो बगल में रख देते हैं, तो उनको इतना ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने रख दिया है, तो कोई आता है रूम में और लेके भाग जाते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत ढूंढा बट कोई नहीं मिला। तो उस टाइम पे इतना मतलब उनको तो मतलब ऐसा हो गया था कि बता नहीं सकते हैं। और उस टाइम पे फिर हम लोगों ने FIR वगैरह, पुलिस आई, बट उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। और फिर हम आपको देख सकते हैं यहाँ पर, हम आपको बता दें कि पूरा मामला
ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक होटल का है। शादी समारोह के दौरान दुल्हन का जेवरातों एवं नकदी से भरा 8 से 10 लाख रुपए की कीमत के लगभग बैग चोरी चला गया। विवेक की तो गहनों से भरा बैग और कुछ नकदी थी उसमें, वो चोरी हो गया। कोई पीछे से आया, रूम में नंबर 4 में 3 लोग थे, एक बच्चा था, वीरेंद्र थे हमारे साले और मधुर थे, और मधुर का छोटा बच्चा था। दौड़ के कोई पीछे से आया और उठा के भागा, ये बोले बैग लेके जा रहा है, बच्चा बोला ये लोग भागे। हम लोगों ने FIR वगैरह, पापा गए उन्हें FIR करवाए, सो आप आर्टिकल देख सकते हैं। मतलब पूरा शादी उस टाइम पे ना उनको संभालने के लिए मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि 17-18 लाख की चोरी होना और मतलब ऐसे हाथ में मतलब बगल में से कोई ऐसा लेके भाग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। सब लोग वहाँ पे मतलब इतनी खुशी में सब रोने लगे, तो ये सब बहुत बड़ा सीन हो गया था, जिसको देख के आई डोंट नो बता नहीं सकती हूँ। मतलब पूरा जितना भी खुशी था 2 सेकंड में सब वेस्ट हो गया, और बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वाली चोरी थी। सो एक्चुअली वहाँ पर उस टाइम मतलब फर्स्ट टाइम था जो ऐसी चोरी हुई थी। सो गाइस आप भी बता सकते हो, मतलब सोच सकते हैं ना, मतलब इतनी खुशी में कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है कि किसने किया। हम लोगों ने FIR वगैरह तो करा दी थी, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसका। हाँ, बस चल रहा है अभी सब जगह एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात कि जिस लॉज में हुआ था वहाँ पर CCTV नहीं लगा हुआ था। हाँ, उस टाइम पे मतलब इतना हम लोगों ने पहले देख रखा था पूरा, तो हम लोगों ने देखा था कि क्या है जगह, बट ये ध्यान नहीं दिया कि CCTV नहीं है। सो फिर उस टाइम पे अब CCTV नहीं थे तो क्या कर सकते हैं, तो कुछ पता नहीं चला। और अभी तक और मतलब मेरे दी का भी पूरा सब कुछ वेस्ट हो गया था। मतलब इतनी खुशी थी और फिर उस टाइम पे रोने लगी, पूरा मेकअप वगैरह। तो हम लोगों का मतलब शादी में सब ऐसे ही हो गया था और फिर सब रोने लगे थे, तो पिक्चर वगैरह मतलब शादी तो कंटिन्यू हुई थी, शादी नहीं रुकी थी। सो वो आप देख सकते हो कि बट हाँ उतना अच्छा खुशी से नहीं हुई थी जो पहले थी खुशी। हम लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे कि अब बहुत कुछ होना था, लेकिन जल्दी जल्दी में फिर बहुत कम किया था। और तो बस यही हुआ था, फिर आप देख सकते हो विदा वगैरह तो हम लोग फिर घर से ही किया था। सो ये गाइस मैं आपको उस टाइम पे पूरा ब्लॉग नहीं कर पाई, नहीं तो आपको सब कुछ वहीं दिखाती और नहीं भी दिखा सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता वहां पर तो इसलिए मैंने अभी आप मतलब मैंने उस जो हल्दी वाला ब्लॉग डाला था तो मैंने बोला था कि आपको कंटिन्यू शादी का ब्लॉग भी मिलेगा। सो फिर मैंने सोचा कि आप सबको बताना चाहिए कि शादी में क्या क्या हो गया, जिस वजह से मैंने उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं की है, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ वीडियो। सो आई होप आपको खुशी भी हो रही होगी और दुखी हो रहा होगा कि हाँ यार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब इतना खुशी में और ऐसा हो जाए, उसकी तो चट्टी बन जानी चाहिए जिसने भी ऐसा किया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी सो लाइक चैनल सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Did you give up on